नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने लोक निर्माण विश्राम गृह में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और उनको समर्पित पार्टी है। प्रदर्शनकारी किसान हमारे अपने हैं और उनके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसानों की सभी आकांक्षाओं और आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के हाथों में किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तीनों कानून किसानों के हित में हैं और सुधार के इन कानूनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने कानूनों में से किसान का भला नहीं हो सकता और देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि खेती को लाभप्रद बनाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इस दिशा में चार महत्वपूर्ण उपाय देश के किसानों के लिए और उनके हित में उठाए गए हैं। इसके तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन की लागत कम करने तथा मिट्टी की जाँच और अनुकूल खाद जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी से उपज के ज्यादा से ज्यादा दाम दिलाने व प्राकृतिक आपदा तथा अन्य स्थिति में उपज के नुकसान को किसान को पर्याप्त अधिक सहायता देना, और उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास यही रहेगा ताकि किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य मिले। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य है कि किसान प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह से सक्षम बन सके। इसी दिशा में किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि देने की किसान सम्मान निधि तथा फसल बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी सरकार द्वारा तैयार की गई। ऐसे निर्णयों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। पल पल हिसार से प्रवीण कुमार की विशेष रिपोर्ट। देखिए, ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि हमारा अच्छा काम होते हुए भी और वो एजिटेशन इतना लंबा हो गया, तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत कई दौर में हुई भी है। वो एक बात कहते थे कि एमएसपी की हमें एश्योरेंस दे दो, वो हमने एश्योरेंस भी दे दी, लेकिन किसी बात में कई दफा जिद में आकर ये कहना कि तीनों कानून वापिस लो, अब ये थोड़ी समस्या है, आ रही है। इसमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। आज भी नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है कि 24 घंटे वो बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको मैं बताऊं, विधानसभा में भी ये इशू जब आया और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई तो हमारे जो विपक्षी मित्र थे उन्होंने डिस्कशन करना मुनासिब नहीं समझा। आदरणीय हुड्डा साहब केवल 10-15 मिनट बोलकर और फिर वो शोर मचाकर और विधानसभा को छोड़कर चले गए। मतलब हमने कहा चर्चा करो भाई, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। या तो आप हमें समझा दीजिए कि किस तरह से किसान का नुकसान है, और जब वो लोग सत्ता में थे तो वो भी शायद इसको करना चाहते थे, लेकिन आज क्योंकि वो विपक्ष में है तो इसलिए बिना कारण दिए वो इस का विरोध कर रहे हैं। गुप्ता जी, आपकी सहयोगी पार्टी है जसपा, उसकी विधायक ही नहीं समझ पाई अभी तक, वो एक विरोध में खड़े हैं। नहीं, मैं जो विषय मैंने आपको रखा इसमें वो समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्या है क्या नहीं, मैं उस विषय पर तो नहीं जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके मन में कोई शंका है कि ये कानून ठीक नहीं है तो उसका तो समाधान मैं यहाँ बातों से करने का प्रयास करूंगा। अब वो कोई समझ नहीं पाया या जानबूझकर समझ नहीं पा रहा, उसका हम चर्चा तो कैसे करेंगे, यानी कि जानबूझ के समझ नहीं पा रहे, क्या पता क्या कह सकते हैं। मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पहले नियम था कि हम आपकी फसल, अच्छा आप कंपैरिजन कीजिए कि उनके सत्ता में कितना माल एमएसपी पर खरीदा जाता था। आज हरियाणा पूरे देश में नंबर वन है जो सबसे ज्यादा माल और एमएसपी पर खरीद करता है,
और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फसल वो भी हरियाणा करता है। और फिर जो हम वो उनको कहते हैं कि बाहर एमएसपी नहीं मिलेगी, हम ये कहते हैं कि बाहर अगर आपको एमएसपी नहीं मिलेगी तो आप मंडियों में तो एमएसपी पे आपका सामान गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार ही है, आप मंडी में बेच दो। आपको जो बाहर की बात करने के लिए जबरन हम नहीं कर रहे कि भी आप बाहर बेचो ही, आप कॉन्ट्रैक्ट करो ही। अगर आपको उतनी क्षमता आपके अंदर नहीं है, आप अपने आप को अगर उभारना नहीं चाहते, आपको व्यापार करने से, आपको फैक्ट्री लगाने से, आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करने से अगर डर लगता है तो आपके लिए जो पिछला विकल्प है वो तो खुला है ही, आप उसी में रहो। देखिए आप कोई भी आप फैक्ट्री खोलेंगे, आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपको ये लगता है कि मैं तो इतने में कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, और फिर आपको कोई कहता है कि भाई बाद में अगर वो सस्ता आ गया तो। अब जब आप डेवलपमेंट के लिए कोई काम करेंगे तो रिस्क तो सब चीजों में होता ही है, या तो फिर आप घर बैठे अपने 100 रुपये महीना कमाते रहो और 100 रुपये में गुजारा करो, लेकिन अगर आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है तो आपको फील्ड में आना पड़ेगा। फील्ड में आने के लिए आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको जो है वो ज्यादा। सर किसानों का कहना है कि हमने कभी एमएसपी भाई नया कानून मांगा ही नहीं तो हम पर थोपा क्यों जा रहा है। नहीं, आपकी डेवलपमेंट किसी भी भाई की करना, ये जो आज सत्ता में है जो हमारी ड्यूटी है कि हमारे भाई हर तरह से डेवलपमेंट हो उनकी। आपको हमने जबरन तो नहीं दिया, हमने कुछ किसानों को उभरने के लिए उनको एक चांस दिया है। जो मना कर रहे हैं कि हम चाहते नहीं है इस एमएसपी जो नहीं सब, और इस समस्या का हल क्या है? ना सरकार झुकने के लिए तैयार है ना किसान पीछे। नहीं, बातचीत में निकलेगा ऐसी बात, बातचीत की तो बात दो की बातचीत कोई नहीं, कई दफा लंबा भी चलता है, कोई बात नहीं, मन साफ है हमारा। किसानों का किसानों में थोड़ा भटकाव है क्योंकि देखिए टेबल पर बैठकर बात करना भी आप समझाओ, वो तो कहते नहीं कि तीनों कानून वापस करो, अब वो आ जाएगा समझ में। हम टेबल पर बैठने के लिए, जब कोई आदमी टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो तो पहले ही कह देता है जी ये तीनों वापस करो। वापस करने से आप सब लोग पत्रकार बंधु हैं, सब लोग इंटेलिजेंट हैं, मैं ये कहता हूं कि हमने तीन कानून जो बनाए हैं वो जबरन किसी के ऊपर थोपने का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। आपको वो तीन कानून ठीक नहीं लगते मान लो तो आप उनको उनकी ऑप्शन मत करिए। मैं बड़ा सरल भाव से आपसे बातचीत कर रहा हूं, मेरे को मैं एक कोई भी काम है मेरे को एक ऑप्शन और दे दी, अब मैं उस ऑप्शन से डर के मैं ये कहूं कि जी मुझे ये ऑप्शन क्यों और दी, ये तो कोई उचित बात नहीं है। यानी जो पहले खरीद हो रही थी और जिस तरीके से मंडी में यथावत बिल्कुल, आप हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है कि अगर ये एमएसपी अगर खत्म होगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। जो पहले की व्यवस्था है वो एज सच चलेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने ये एक्स्ट्रा चीजें दी हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, किसान को ऊंचा उठाने के लिए, किसान को व्यापारी बनाने के लिए, किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए, किसान को और ऊंचा ले जाने के लिए हमने उसको ऑप्शन दिए। उसे अगर ऑप्शन पसंद नहीं है तो वो रखे अपने। सर किसानों का कहना है कि अगर सरकार हमारी इतनी परवाह करती है तो हमारे साथ इस मिलकर के क्यों नहीं डिस्कस किया गया पहले, इस नियम को लाने से पहले हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर हमारे साथ सलाह किया जाता तो एक अच्छा कानून बन सकता था, लेकिन कोई सलाह नहीं ली गई, अचानक से इसे पारित करके लागू कर दिया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल जब ये लोकसभा में आया है तो वहां पर डिस्कशन हुई है, आपके रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, आपके सब लोग हैं वहां, वो सब से बातचीत हुई है। देखिए ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि हमारा अच्छा काम होते हुए भी और वो एजिटेशन इतना लंबा हो गया, तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत कई दौर में हुई भी है। वो एक बात कहते थे कि एमएसपी की हमें एश्योरेंस दे दो, वो हमने एश्योरेंस भी दे दी, लेकिन किसी बात में कई दफा जिद में आकर ये कहना कि तीनों कानून वापस लो, अब ये थोड़ी समस्या है आ रही है, इसमें
हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। आज भी नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है कि 24 घंटे वो बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको मैं बताऊं, विधानसभा में भी ये इशू जब आया और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई तो हमारे जो विपक्षी मित्र थे उन्होंने डिस्कशन करना मुनासिब नहीं समझा। आदरणीय हुड्डा साहब केवल 10-15 मिनट बोलकर और फिर वो शोर मचाकर और विधानसभा को छोड़कर चले गए। मतलब हमने कहा चर्चा करो भाई, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। या तो आप हमें समझा दीजिए कि किस तरह से किसान का नुकसान है, और जब वो लोग सत्ता में थे तो वो भी शायद इसको करना चाहते थे, लेकिन आज क्योंकि वो विपक्ष में है तो इसलिए बिना कारण दिए वो इस का विरोध कर रहे हैं। गुप्ता जी, आपकी सहयोगी पार्टी है जसपा, उसके विधायक ही नहीं समझ पाए अभी तक, वो एक विरोध में खड़े हैं। नहीं, मैं जो विषय मैंने आपको रखा इसमें वो समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्या है क्या नहीं, मैं उस विषय पर तो नहीं जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके मन में कोई शंका है कि ये कानून ठीक नहीं है तो उसका तो समाधान मैं यहाँ बातों से करने का प्रयास करूंगा। अब वो कोई समझ नहीं पाया या जानबूझकर समझ नहीं पा रहा, उसका हम चर्चा तो कैसे करेंगे, यानी कि जानबूझकर समझ नहीं पा रहे, क्या पता क्या कह सकते मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पहले नियम था कि हम आपकी फसल, अच्छा आप कंपैरिजन कीजिए कि उनके सत्ता में कितना माल एमएसपी पर खरीदा जाता था। आज हरियाणा पूरे देश में नंबर वन है जो सबसे ज्यादा माल और एमएसपी पर खरीद करता है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फसल वो भी हरियाणा करता है। और फिर जो हम वो उनको कहते हैं कि जी बाहर एमएसपी नहीं मिलेगी, हम ये कहते हैं कि बाहर अगर आपको एमएसपी नहीं मिलेगी तो आप मंडियों में तो एमएसपी पे आपका सामान गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार ही है, आप मंडी में बेच दो। आपको जो बाहर की बात करने के लिए जबरन हम नहीं कर रहे कि भी आप बाहर बेचो ही, आप कॉन्ट्रैक्ट करो ही। अगर आपको उतनी क्षमता आपके अंदर नहीं है, आप अपने आप को अगर उभारना नहीं चाहते, आपको व्यापार करने से, आपको फैक्ट्री लगाने से, आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करने से अगर डर लगता है तो आपके लिए जो पिछला विकल्प है वो तो खुला है ही, आप उसी में रहो। देखिए, आप कोई भी आप फैक्ट्री खोलेंगे, आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपको ये लगता है कि मैं तो इतने में कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, और फिर आपको कोई कहता है कि भाई बाद में अगर वो सस्ता आ गया तो। अब जब आप डेवलपमेंट के लिए कोई काम करेंगे तो रिस्क तो सब चीजों में होता ही है, या तो फिर आप घर बैठे अपने 100 रुपये महीना कमाते रहो और 100 रुपये में गुजारा करो, लेकिन अगर आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है तो आपको फील्ड में आना पड़ेगा। फील्ड में आने के लिए आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और आपको जो है वो ज्यादा। सर, किसानों का कहना है कि हमने कभी एमएसपी मांगी है, नया कानून मांगा ही नहीं, तो हम पर थोपा क्यों जा रहा है? नहीं, आपकी डेवलपमेंट किसी भी भाई की करना, ये जो आज सत्ता में है, जो हमारी ड्यूटी है कि हमारे भाई हर तरह से डेवलपमेंट हो उनकी। आपको हमने जबरन तो नहीं दिया, हमने कुछ किसानों को उभरने के लिए उनको एक चांस दिया है। जो मना कर रहे हैं कि हम चाहते नहीं है इस एमएसपी, जो नहीं तो इस समस्या का हल क्या है? ना सरकार जुटने के लिए तैयार है, ना किसान पीछे। नहीं, बातचीत में निकलेगा ऐसी बात, बातचीत की तो दो की बातचीत कोई नहीं, कई दफा लंबा भी चलता है, कोई बात नहीं, मन साफ है हमारा। किसानों का किसानों में थोड़ा भटकाव है क्योंकि देखिए टेबल पर बैठकर बात करना भी आप समझाओ, वो तो कहते नहीं जी तीनों कानून वापस करो, अब वो आ जाएगा समझ में। हम टेबल पर बैठने के लिए, जब कोई आदमी टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो तो पहले ही कह देता है जी ये तीनों वापस करो,
वापिस करने से आप सब लोग पत्रकार बंधु हैं, सब लोग इंटेलिजेंट हैं। मैं ये कहता हूं कि हमने तीन कानून जो बनाए हैं वो जबरन किसी के ऊपर थोपने का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। आपको वो तीन कानून ठीक नहीं लगते मान लो, तो आप उनको उनकी ऑप्शन मत करिए। मैं बड़ा सरल भाव से आपसे बातचीत कर रहा हूं। मेरे को मैं एक कोई भी काम है, मेरे को एक ऑप्शन और दे दी, अब मैं उस ऑप्शन से डर के मैं ये कहूं कि जी मुझे ये ऑप्शन क्यों और दी, ये तो कोई उचित बात नहीं है। यानी जो पहले खरीद हो रही थी और जिस तरीके से मंडी में तरफ यथावत बिल्कुल, आप हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है कि अगर ये MSP अगर खत्म हो गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। जो पहले की व्यवस्था है वो एज सच चलेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने ये एक्स्ट्रा चीजें दी हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, किसान को ऊंचा उठाने के लिए, किसान को व्यापारी बनाने के लिए, किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए, किसान को और ऊंचा ले जाने के लिए हमने उसको ऑप्शन दिए। उसे अगर ऑप्शन पसंद नहीं है तो वो रखे अपन। सर किसानों का कहना है कि अगर सरकार हमारी इतनी परवाह करती है तो हमारे साथ इस मिलकर के क्यों नहीं डिस्कस किया गया पहले, इस नियम को लाने से पहले हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर हमारे साथ सलाह किया जाता तो एक अच्छा कानून बन सकता था, लेकिन कोई सलाह नहीं ली गई, अचानक से इसे पारित करके लागू कर दिया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आफ्टरऑल जब ये लोकसभा में आया है तो वहाँ पर डिस्कशन हुई है, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर, आपके सब लोग हैं वहाँ, वो सब उनसे बातचीत हुई है।